अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गर्मियाँ बहुत है तो आज हम बॉडी रिफ्रेशमेंट एक ड्रिंक बनाएंगे, लेमन मिंट रिफ्रेशमेंट कूलर। तो इसके लिए ये पुदीने के पत्ते हैं, ये एक कटोरी है और मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो ये मैं अभी पुदीने के पत्ते दैट मिंट्स लीफ डाल रही हूँ। हम पुदीना और लेमन का बनाएंगे शरबत ड्रिंक। ये एक चुटकी मैंने सॉल्ट लिया है और ये मैंने हाफ टी स्पून काला नमक लिया है, ब्लैक सॉल्ट। और यहाँ पे मैंने दो चुटकी, सिर्फ ऐसी दो चुटकी मैंने ब्लैक पेपर लिया है, तो ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। शुगर यहाँ पे मैंने हमारे टेस्ट के हिसाब से लिया है, वैसे ये 6 टेबल स्पून है, 6 टेबल स्पून शक्कर है, तो मैं ये शुगर भी ऐड कर रही हूँ। और ये 2 लेमन है, तो अब मैं इसका जूस निकालूँगी और वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो लेमन को पहले हम कट कर लेते हैं, क्या पूरा फुल बॉडी रिफ्रेशमेंट है ये। हम और अब हम इसका जूस निकाल लेंगे, तो उसके लिए मैं इसका जूस निकाल लूंगी। लॉकडाउन भी है, बाहर जा नहीं सकते, कोई कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते, तो हम घर में ही इसको एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड बना सकते हैं और झटपट बन जाती है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तो ये 2 बड़े लेमन का मैं जूस निकालूंगी, फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट। नींबू का जूस मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है, अब हम इसमें एकदम ठंडा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल ठंडी ठंडी चिल्ड बनाएंगे। तो ठंडा पानी शामिल कर दूंगी और अब हम इसे लिड लगा के मिक्सर में अच्छी तरह घुमाएंगे। ये अब हमारा लेमन मिंट जूस तैयार है, तो अब हम इसे छान के लेंगे। गर्मियाँ बढ़ गई है और बाहर कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रहा, तो हम घर में ही इसे बना सकते हैं। इवन अभी रमज़ान में भी हम बना के पी सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेशमेंट है, बॉडी को एकदम ठंडा और तरोताज़ा कर देने वाला ड्रिंक है। रमज़ान भी आ रहे हैं और गर्मियों में आ रहे हैं, तो हम इसे रमज़ान में बना के पी सकते हैं। थोड़ा सा ये और इसे और ठंडा देने के लिए हम ये तुकमलंगा यानी कि सब्जा डाल रहे पेसिल, इसकी तासीर भी ठंडी ही होती है। आपके पास अगर नहीं है तो बेशक नहीं डालिए, लेकिन ये डालेंगे तो बहुत अच्छा ठंडी तासीर वाला है ये भी। और वहीं पे मैं इसमें और चिल करने के लिए बर्फ डाल देती हूँ, आपको जितना चिल चाहिए उतना कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आइस क्यूब्स डाल दिया है और अब हम इसे डेकोरेट करेंगे लेमन स्लाइस से। ठंडी ठंडी मिंट लेमनेड तैयार है रिफ्रेशिंग कूलर, इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आपको। बहुत ही सिंपल और फटाफट होने वाला ड्रिंक है, आप रमज़ान में भी बना सकते हैं इफ्तार के वक्त, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट, ठंडी तासीर। इसमें हमने सब्ज़ा भी डाला है, वो भी तासीर ठंडी ही देता है।
और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे अच्छी रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और एक थम्स अप देना भी बिल्कुल मत भूलिए। राहत किचन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।